इस सेगमेंट में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स बी वेक्टर एच वेक्टर एंड एम वेक्टर। ये तीनों मैग्नेटिक वेक्टर्स के बारे में मैंने पिछले टर्न पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा उसके बाद, क्योंकि ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये पार्ट भी मुझे उसी के साथ कवर करना था। ये जो टॉपिक आप लोगों को मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में समझाया था, काफी बड़ा टॉपिक था ये मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स। फिर इसमें हमने ये मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ाया था, उसके बाद आप लोगों को ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर, फिर मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी वेक्टर पढ़ाया था, और मैग्नेटिक परमीएबिलिटी म्यू, फिर रिलेटिव परमीएबिलिटी म्यू आर, और फिर लास्ट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ाया था। और इसी उसी लेक्चर में मुझे ये टॉपिक भी पढ़ाना था, ये टॉपिक और इसके बाद एक और टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये टॉपिक भी मुझे सब एक लेक्चर में ही पढ़ाना था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया था जिसके कारण मुझे इसको दो भाग में पढ़ाना पड़ा। तो पहला पार्ट आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरे कोर्स के जो यूनिट वाइज जो लेक्चर्स बने हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहां चेक कर सकते हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट सेकेंड नोट्स के नाम से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं, ये जो तीनों मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था और एक मिनट में एक बार और समझा देता हूँ, ये तीनों मैग्नेटिक वेक्टर को आप लोग कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक, ये मटेरियल चाहे जैसा हो सकता है, ये फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अब इसको मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो फील्ड हमने अप्लाई किया है उसको हम बोलेंगे एच वेक्टर, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर हुआ। तो एच वेक्टर से अब उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो H है, इसके कारण इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे M वेक्टर मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, इस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा वही होता है इसका मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन किसके कारण पैदा हुआ, ये जो बाहर से हमने ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है इसके कारण, ठीक। तो ये जो बाहर से फील्ड लगाया गया है ये होता है एच वेक्टर। इस फील्ड के कारण इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैदा होते हैं वो होता है एम वेक्टर। अब इस मटेरियल के अंदर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितना नेट में मैग्नेटिक इंडक्शन बचेगा, या यूं कह लीजिए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस मटेरियल के अंदर पैदा होगा, या इसके यूं कह लीजिए इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पास होगा वो होता है बी वेक्टर। क्लियर हुआ ना, ये बी वेक्टर इन दोनों के इंटरेक्शन से फिर फाइनली निकलेगा, ठीक। इसको मैंने पिछले टर्न पे डाटा भी देके समझाया था, ये डाटा आप लोग डायमेंशनली इसको करेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए 100 यूनिट का मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया और इस 100 यूनिट के मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण इस मटेरियल के अंदर मान लीजिए 10 यूनिट का मैग्नेटाइजेशन पैदा हुआ और वो इसी जो बाहर से जो ये फील्ड लगाया गया है मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में पैदा हुआ, समझ में आया, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा वो बाहर से जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया गया उसी के डायरेक्शन में होगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन अगर मुझे समझना हो तो वो कैसे हो जाएगा, ये 100+10 यानी 110 यूनिट का मैग्नेटिक इंडक्शन या यू कह लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिला। अगर यही मटेरियल मान लीजिए डायमैग्नेटिक होता तो डायमैग्नेटिक में आप जानते हैं जो प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अगर ये डायमैग्नेटिक हुआ तो मान लीजिए इसमें भी 10 यूनिट का मैग्नेटाइजेशन हुआ, किसके कारण, ये जो 100 यूनिट का मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया गया है। अब चूंकि ये डायमैग्नेटिक है तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा ये लगाए गए मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसके अंदर नेट में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बचेगा, 100-10 यानी 90 यूनिट का मान लीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन बचा, या यूं कह लीजिए 19 यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग ये तीनों को समझ सकते हैं, ये तीनों फील्ड अलग अलग हैं और ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो तीनों फील्ड हैं
इनका डायमेंशन भी अलग अलग है, बी का डायमेंशन अलग होता है ठीक है, और ये एच एम प्रोपोर्शनल टू, और ये एच और एम का डायमेंशन सेम होता है ठीक है, एच और एम इसका डायमेंशन सेम होता है लेकिन बी का डायमेंशन और यूनिट अलग होता है हम लोगों से ठीक है। ये पिछले टर्न पे भी आप लोगों को ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए जब काई एम जो ससेप्टेबिलिटी निकाले थे तो काई एम तो ये तो डायमेंशन लेस होता है तो ऑटोमेटिक एम और एच का डायमेंशन और यूनिट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये रिलेशन निकालना है कि ये तीनों वेक्टर जो हैं इनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है वो निकालना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है जो कि एक मैक्सवेल का इक्वेशन भी होता है वो क्या होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे। जे क्या है, करंट डेंसिटी। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अभी तक इंटर में आप लोगों को, आप लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ देते थे लेकिन अभी आप लोग इसको या तो मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़िए ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है लेकिन उसको हम लोग एच वेक्टर से बोलते हैं। एम वेक्टर क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन है या यूं कह लीजिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अब हम देखिए व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, it gets magnetized and in this case the magnetic field B is not only due to the free current density J but also due to bound या equivalent magnetization current density। सुनिए ये पूरा चीज, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं इसको सीधे समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में ये जो मैक्सवेल का इक्वेशन है या यू कह लीजिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया था ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा एक मॉडिफिकेशन किया गया था और ये जो जे है इस जे को रिप्लेस करके इन्होंने एक, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट यूनिट में ये आएगा। ये मैक्सवेल का ये जो इक्वेशन है ना, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये मैक्सवेल का ये इक्वेशन भी है, ये चौथा इक्वेशन है। तो ये चौथे इक्वेशन में एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया था और ये मॉडिफिकेशन क्या किया गया था कि ये जो J है ये J रिप्लेस हो जाएगा J F plus J M से। ये क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट एक होता है कंडक्शन करंट जो कि केवल वायर में ही फ्लो करता है, उसको फ्लो करने के लिए किसी कंडक्टर मीडियम की आवश्यकता होती है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्री स्पेस में भी फ्लो कर सकता है। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया था तो ये इससे रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर, ये क्या है, यही यहाँ पे नाम दिया गया है। जेएफ क्या है, ये फ्री करंट डेंसिटी जेएफ है और जबकि ये बाउंड या इक्विवेलेंट मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी जेएम है ठीक है। तो इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे और ये फ्री को ना हम सीधे जे से ही लिख देते हैं तो ये जे प्लस जे एम हो जाएगा। बस यही इतना मॉडिफिकेशन, हम चाहे तो हम सीधे इसी इक्वेशन से शुरुआत कर सकते थे, आप लोग सीधे इसी इक्वेशन से शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एम्पियर का जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सर्किटल लॉ ही बोला जाएगा। अब यहां से क्या करिए, यहां से देखिए इस यहां जे जो होता है, जे क्या होता है, ये होता है कर्ल ऑफ एच ठीक है। J होता है कर्ल ऑफ H और JM क्या होता है, कर्ल ऑफ M होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा J क्या होता है, J फ्री जो करंट डेंसिटी है वो होता है कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H और JM क्या होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन M। अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, डेल ऑपरेटर जो है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और ये म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कॉमन अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लेंगे म्यू नॉट, तो यहाँ से ये हटा दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ कर्ल है तो कर्ल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे ठीक है। जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर होता है वो म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम, ये इतना होता है। यहां से भी आप समझ पा रहे होंगे कि एच और एम दोनों डायमेंशनली क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो जोड़े गए हैं, जबकि बी, बी का डायमेंशन एंड यूनिट ही दोनों से अलग होता है ठीक है। तो ये एक यहां पे हमने ये टॉपिक थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स के बीच में ये रिलेशन पढ़ लिया, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब इसी में एक और टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं और वो है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ये मुझे ये पढ़ाना बहुत जरूरी था क्योंकि इस टॉपिक का शुरुआत इसी के बाद से होगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। हम लोग जानते हैं अभी अभी ये फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, ये तीनों मैग्नेटिक वेक्टर के बीच में ये रिलेशन होता है, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, और एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं बी इक्वल टू म्यू इनटू एच। देखिए यहां म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पे ये म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, जिस मटेरियल के हम लोग मैग्नेटाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं वो। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं तो बी के जगह म्यू नॉट म्यू इनटू एच, बाकी ये यहां म्यू नॉट एच प्लस एम, यहां से म्यू बटे म्यू नॉट कर लीजिए, म्यू बटे म्यू नॉट बराबर यहाँ पे एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर बटे एच, भाग दे देंगे तो वन प्लस एम बाई एच आ जाएगा। अब यहाँ पे म्यू बटे म्यू नॉट जस्ट आप लोगों को पिछले टर्न पे पढ़ाए थे, इसी को तो रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला जाता है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये वन प्लस एम बाई एच, और ये एम बाई एच क्या है, पिछले टर्न पे मैंने बताया था एम बाई एच क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बटे मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यहां पे आ गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, इससे एक बात तो समझ में आ जाता है कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, वैसे ये पिछले टर्म पे भी बताए थे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखिए जैसे वैक्यूम, वैक्यूम के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है वो जीरो होता है, तो वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना हो जाएगा, वन, जबकि पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये जो ससेप्टेबिलिटी होता है वो पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो होता है, तो फिर पैरामैग्नेटिक के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो वन से ज्यादा हो जाएगा, वही डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टेबिलिटी निगेटिव होता है, निगेटिव होने के कारण रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल वन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया ना, ये पिछले टर्न वाला मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसका पहला लेक्चर आप लोग जरूर से देख लीजिए, जो कि किस नाम से है, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स के नाम से है मेरे ख्याल से, ये यूनिट थर्ड L2 के नाम से है वो लेक्चर, ठीक है, वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, आप लोग वहां से भी चेक कर लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट से आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ये देखिए, और वैसे भी इसको देखिए चाहे मत देखिए, उसको जाके जरूर देखिए, उससे आपके सारे मैग्नेटाइजेशन जो फिनोमिना है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।